नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा पहले विपक्षी दलों की तरफ से की गई थी कि वो सदन का बॉयकॉट करेंगे, सदन के भीतर जाएंगे ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि 23 मार्च को जो तस्वीरें सामने आई, सदन की गरिमा को तार तार किया गया, सदन की गरिमा को चोट पहुंचाया गया। उन तस्वीरों को देखते हुए विपक्षी दलों ने साफ कहा था, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सदन में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ दलों की बात करें, वाम दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन लोगों ने साफ कहा है कि जनता को इस वक्त हमारी जरूरत है, हमारी आवाज की जरूरत है और यही वजह है कि हम सदन में पहुंचकर सरकार से सवाल करेंगे, उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे और जो भी सवाल लाजमी है, जो इन दिनों बदहाली बिहार में देखने को मिल रही है, चाहे हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बढ़ते अपराध की बात करें, इन तमाम बातों को लेकर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करेंगे ही, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में जिस तरह बिहार था उस वक्त कई तरह की तस्वीरें सामने आई जिसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए गए और इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी, लगातार उन दोनों के बीच कई तरह की बातें सामने आई, यहां तक कि बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखाई दिए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कौन कौन से सवाल पूछते हैं, कौन कौन से सवाल दागते हैं और उन सवालों का क्या जवाब मिलता है। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पहले ही सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ये कह दिया है कि हर सवाल का जवाब आपको तैयार रखना है। इतना ही नहीं, बीते बजट सत्र के दौरान भी जो सवाल थे और उनके जवाब उस वक्त नहीं मिल पाए थे, उन सवालों का जवाब भी आपको इस सत्र में देना ही है, यानी कि पूरी तैयारी है और पूरे जोश के साथ विधायक पहुंचेंगे सदन में और अपनी आवाज को रखेंगे और देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से कैसे आमने सामने होते हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।